देवरिया हत्याकांड में अपने परिवार को गंवा चुके मृतक सत्यप्रकाश दुबे के बड़े बेटे देवेश ने योगी सरकार से मांग कर दी है कि जब तक उसके परिवार के हत्यारों के घर बुलडोजर एक्शन नहीं होता है तब तक वो अपने पिता का ब्रह्म भोज नहीं करेगा। बता दें कि देवरिया के लहेड़ा टोला में बीते 2 अक्टूबर को जमीनी विवाद में 6 लोगों की हत्या हो गई थी। पहले प्रेमचंद यादव की हत्या हुई, जिसके बाद बदले की कार्रवाई करते हुए प्रेमचंद यादव के परिजनों ने सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, 2 बेटियों और 1 बेटे की हत्या कर दी। इस तरह महज 20 मिनट में एक पूरा परिवार खत्म हो गया। सत्यप्रकाश दुबे का बड़ा बेटा देवेश इसलिए बच गया कि वो दूसरे गांव भागवत कथा कराने गया हुआ था। अब देवेश ने प्रशासन से मांग कर दी है कि जब तक आरोपी प्रेमचंद यादव के घर बुलडोजर एक्शन नहीं होता वो अपने पिता का ब्रह्म भोज नहीं करेगा। देखिए, अभी कार्रवाई पूर्ण रूप से हो नहीं रहा है। आज इस मामले को लेकर के, इस घटना को लेकर के 10 दिन हो चुके हैं आज के दिन से लेकर के। यह घटना किसी प्रशासन के घर के साथ होता, प्रशासन चुप बैठती। अगर किसी और के साथ होता तो कोई चुप बैठता। आज तो 10 दिन उनको जल्द से जल्द कार्रवाई कर देनी चाहिए। अगर केवल हमको आश्वासन दिया जा रहा है कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई हो सकता है हम लोग ब्रह्म भोज करके हट जाए तो कार्रवाई दब जाए। हम इससे सहमत नहीं है। और रह गई बात कि जो भी हमारे माँ बाप को, हमारे पूरे परिवार को नरसंहार कर दिया है, उसको फांसी की सजा मिले या नहीं तो इनकाउंटर हो, और उसके जितने जो हमारे भाई और बहन को गोली मारे हैं उनको तो पहले उनके मकान ध्वस्त हो जानी चाहिए। और जब तक इन लोगों का मकान सिर्फ प्रेमचंद्र यादव जी का नहीं ढह जाता और उनका मकान नहीं ढह जाता, तब तक मैं ब्रह्मभोज अपना नहीं करूँगा। बता दें कि देवरिया तहसीलदार कोर्ट से मृतक प्रेमचंद यादव के घर की बेदखली का आदेश आ चुका है। हालांकि प्रेमचंद यादव की बेटी अंशिका ने भी योगी सरकार से अपील की है कि उसके घर को न गिराया जाए। आज मेरा बर्थडे है, सरकार यह गिफ्ट दिया है कि मकान खाली कर दे। हम नहीं चाहते कि मेरे साथ अन्याय मत हो। हम योगी बाबा चाहते हैं मेरा घर मत गिरे, हम कहां रहेंगे हम लोग। इस बीच देवेश ने प्रशासन की अब तक की कार्रवाई से नाखुशी जताई। उसने कहा है कि उसके परिवार की हत्या करने वालों का एनकाउंटर किया जाना चाहिए। बता दें कि सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, 2 बेटियों और 1 बेटे का ब्रह्मभोज 13 को है। देवेश ने डीएम को लिखे पत्र में ब्रह्मभोज फतेहपुर के लेहड़ा टोला में करने की अनुमति मांगी है। डीएम को लिखे पत्र में देवेश ने सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक 12 अक्टूबर को एकादशा में 60 लोगों और 13 अक्टूबर को 70 लोगों के आने की अनुमति मांगी है। बता दें कि देवरिया हत्याकांड के बाद से ही लेहड़ा टोला में पुलिस प्रशासन की भारी तैनाती है, बाहरी लोगों को आने की अनुमति नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि देवेश की मांग पर आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन होता है या नहीं। टाइम्स नाउ, नवभारत, डिजिटल की रिपोर्ट।